शोर क्यों मचा रहे हैं? अर्जुन के दादा एक आदमी से पूछते हैं जो उस समय भाग रहा होता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ है। अरे मेरी छोड़ो, तुम भी यहाँ जल्दी से भागो वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। भागो भागो जल्दी यहाँ से। ऐसा कहते ही वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और ऐसे ही बहुत सारे लोग बचाओ बचाओ कहते हुए भाग रहे हैं। आज क्या हुआ शहर को? ये लोग इतने डरे हुए क्यों और ऐसा क्या गया शहर में जिससे डर कर ये लोग ऐसे भाग रहे हैं? तभी उन्हें वहाँ पर कुछ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तकरीबन 5 मिनट बाद वो देखते हैं एक विशाल आकार की छिपकली जो अपने मुंह में एक इंसान को दबाए हुए है और अगले पल वो भयानक सी छिपकली उस इंसान को निगल लेती है। तकरीबन 10 सेकंड के बाद वो छिपकली उस इंसान को दोबारा से बाहर उगल लेती है। वो इंसान जमीन पर गिर पड़ा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है और उसका चेहरा किसी डरावने राक्षस की तरह हो चुका है। और इस तरह कुछ ही देर में वो इंसान दम तोड़ देता है। वो खतरनाक छिपकली कोई और नहीं बल्कि नरिका है। अब मैं एक एक करके तुम सभी को मार डालूंगी, इस शहर से इंसानों का खात्मा कर दूंगी। खात्मा? नरिका एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग इधर से उधर भागने में लगे हुए ताकि वो अपनी जान नरिका से बचा सके। देव के माता पिता भी एक कोने में इसी बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये तो पल भर में पूरे शहर को शमशान बना देगी। देव के पिता घबराते हुए कहते हैं, अब कौन रोकेगा इसे, भला इस मुसीबत से कौन भिड़ना चाहेगा? देव की माँ यानी अर्जुन की दादी रोते हुए कहती है। कुछ देर बाद नरिका और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। वो अपने मुंह से आग उगलती है और शहर में मौजूद बिल्डिंग को तबाह करने लगती है। उसने कई लोगों को चबाकर वापस नीचे फेंक दिया जिससे कि कई लोगों की जान चली गई। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है जहाँ पर नरिका ने तबाही मचाई हुई है। पुलिस के जवान एकाएक नरिका पर गोलियां बरसा रहे हैं। पर ये क्या, नरिका पर तो पुलिस वालों की किसी भी गोली का असर ही नहीं हुआ। नरिका के शरीर में गोलियां भी असर नहीं कर रही है। अब कैसे रोकेंगे हम इसे, एक पुलिस का जवान बोला। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम सबकी मौत बनकर आई हूँ। एक खूंखार विशाल छिपकली ने मचाई शहर में तबाही। रेडियो पर आज ये खबर कुछ टाइम से चल रही है। ये छिपकली इतनी विशाल है कि इसने अकेले ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिसकर्मी हथियारों के साथ इसका मुकाबला करने के लिए आए हैं पर इस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा है। इंसान हो या जानवर, इस भयानक से विशाल छिपकली ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। ये एक एक करके इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी ये पूरे शहर को शमशान में बदल देगी। अर्जुन हर रोज की तरह मिश्रा जी के घर में उस पुराने टाइपराइटर पर कुछ टाइप करने में बिजी है। तभी वो रेडियो पर इस खबर को सुनता है और सरप्राइज होते हुए सोचता है, नैरिका दोबारा कैसे आ सकती है? लेकिन आज तो इसने पिछली बार से भी ज्यादा तबाही मचा दी है, मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। तभी अर्जुन जल्दी से अपना काम छोड़ वहां से जाने लगता है। अर्जुन को बाहर जाता देख पीछे से मीनाक्षी आवाज लगाती है। अरे क्या हुआ अर्जुन, कहां जा रहे हो? मैं अभी आया मीनाक्षी, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा कहते ही अर्जुन वहां से चला जाता है। जहां एक तरफ नैरिका बेंगलोर शहर में तबाही कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देव और बाकी साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है। वहां पर पास्ट वाला श्रीनिवासन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। वे सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। तभी उन्हें रेडियो पर खबर मिलती है, एक खतरनाक विशाल छिपकली ने शहर पर किया हमला, ले ली कई लोगों की जान। कुछ इस तरह की खबर उस समय रेडियो पर आ रही है। यह खबर देव की कानों तक भी पहुंच जाती है। देव इस खबर को सुनते ही हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब ये क्या आफत है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे वहां जाना होगा और लोगों को बचाना होगा। देव के मन में कुछ इस तरह के विचार आ रहे हैं। उसे डर है कि कहीं ये विशाल छिपकली पूरे शहर को खत्म न कर दे। पर जैसे ही देव रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे कुछ याद आता है। अगर मैं इस तरह से सबके सामने बिना पूछे यहां से चला गया तो इन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं ही सुपर हीरो हूं, पर लोगों को बचाना भी तो जरूरी है, मैं क्या करूं? देव ये सब सोचकर परेशान है। तभी श्रीनिवासन उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ देव, तुम इतने परेशान क्यों हो? सर अभी अभी आपने सुना तो होगा ही, शहर पर कितनी बड़ी आफत आ गई है। वो बहुत बड़ी छिपकली है और बेहद शक्तिशाली भी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी वो कई और लोगों की जान ले लेगी। इससे पहले वो पूरे शहर को तबाह कर डाले, कैसे भी करके हमें उसे रोकना होगा। देव परेशान होकर कह रहा है। उधर श्रीनिवासन मन ही मन सोचता है कि ये क्या चीज है जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी, इससे पूरे शहर समेत हमको भी खतरा है। वैसे अभी अच्छा मौका है देव की नजरों में अच्छा बनने का, मैं अभी देव की हां में हां मिला लूं, ऐसा करके मैं हमेशा के लिए उसका विश्वास जीत सकता हूं। थोड़ी देर बाद श्रीनिवासन देव से कहता है, तुम कह तो ठीक रहे हो देव कि हमें शहर को उस खूंखार छिपकली से बचाना होगा, पर ये हम करेंगे कैसे? सर हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, मुझे लगता है कि अभी वहां जाना चाहिए। देव श्रीनिवासन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं। देव को यूं परेशान देख देविका देव से कहती है, देव तुम शहर को उस दानव से बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यूं ही अकेले वहां चले गए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? अगर मेरी जान किसी के काम आ सकती है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं, देव देविका से मुस्कुराते हुए कहता है। देव की बातें सुनकर देविका भी मुस्कुराती और मुस्कुराते हुए देव से कहती है, तुम ठीक कहते हो देव, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देविका के ऐसा कहते ही देव चौंक जाता है और देविका से कहता है, नहीं देविका, मैं वहां जाऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, तुम यहीं रुको मैं जाकर देखता हूं। लेकिन देविका उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और जिद करने लगती है उसके साथ जाने की, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी देव, और रही बात मेरी जान की तो मैं भी यही चाहती हूं कि अगर मेरी जान किसी के काम आ सके तो मैं खुशी खुशी जान देने के लिए भी तैयार हूं। देविका के मुंह से यह बात सुनकर दिल को भी अच्छा लगता है और ना चाहते हुए भी देव उसे मना नहीं कर पाता और अपने साथ आने को कहता है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। उसके बाद देविका भी देव के साथ निकल पड़ती है उस जगह की ओर जहां पर नैरिका ने कोहराम मचाया हुआ है। लेकिन देव मन ही मन सोच रहा है, मैं देविका को अपने साथ आने से रोक तो नहीं सकता था, पर अब तो मेरे लिए और प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। अब मैं कैसे देवी के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा और कैसे इस शहर को खूंखार जीत से बचाऊंगा? अर्जुन के दादा दादी बिल्डिंग की छत के नीचे एक कोने में नैरिका की नजरों से खुद को बचाए हुए छुपे हैं। वे दोनों बहुत डरे हुए हैं, लेकिन इसी बीच नैरिका की खूंखार नजर उनकी तरफ पड़ती है। अब नैरिका धीरे धीरे कदमों के साथ देव के माता पिता यानी कि अर्जुन के दादा दादी की ओर बढ़ चली आ रही है। करीब 15 फीट की दूरी पर नैरिका अर्जुन के दादा दादी के करीब पहुंच चुकी है।
हे भगवान अब तू ही बचा हमें। अर्जुन के दादा दादी हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद करके बोल रहे हैं। जैसे जैसे नरिका उनके करीब आ रही है वैसे वैसे उन दोनों की चीखें भी निकल रही है। नहीं नहीं भगवान रक्षा करो भगवान, वे दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं। अगले ही पल नरिका अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। नरिका जिसका आकार बहुत बड़ा हो चुका है वो मुंह खोलकर अपनी चीख निकालती है। उसकी अजीब सी चीख जो बिल्कुल सांप जैसी है वो अर्जुन के दादा दादी की तरफ तेजी से आ रही है। अर्जुन के दादा दादी आंख बंद करके अब बस भगवान को याद कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनका अंतिम समय आ चुका है। नरिका की बड़ी सी जीभ अब उनसे महज एक फीट की दूरी पर आ गई है। जैसे ही नरिका की जीभ अर्जुन के दादी को छूने वाली होती है वैसे ही एक हाथ नरिका की जीभ को पकड़ लेता है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन के दादा दादी आंख खुलते हैं तो देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ लड़के ने नरिका की जीभ को अपने हाथों से पकड़ लिया है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, सुपर हीरो अर्जुन, जो नरिका के कहर से लोगों को बचाने आया है। अब तेरा खेल खत्म हुआ, तुझे जो करना था वो तूने कर लिया, अब तेरी मौत निश्चित है। अर्जुन कैसा कहते ही नरिका अपनी जीभ से अर्जुन को बिल्डिंग की दीवार में पटक देती है। उसके बाद अर्जुन तुरंत खड़ा होता है और वहां से दूसरी दिशा में जाने लगता है। वो ये इसलिए करता है ताकि नरिका किसी सुनसान जगह पर उसे लड़े जिससे कि शहर का नुकसान ना हो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना तो ठीक है मारो मुझे, पर उससे पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते ही अर्जुन एक लंबी छलांग के साथ वहां से कहीं दूसरी जगह जाने लगता है। उसका पीछा करते हुए नरिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तकरीबन 5 मिनट बाद वे दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों एक साथ नीचे जमीन पर पहुंचते हैं। अर्जुन नरिका को खुद को पकड़ने के लिए उकसाता है। उसके बाद नरिका भी अर्जुन के पीछे पीछे चली जाती है। अर्जुन और नरिका एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। तूने ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत खेल लिया बच्चे, अब मैं पहले तुझे मारूंगी और फिर इस शहर को शमशान में बदल दूंगी, नरिका गुस्से से अर्जुन से कहती है। मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो नरिका। हाँ सही कहा तूने, तो ठीक है मैं सबसे पहले तुझे ही खत्म करूंगी। ऐसा कहते ही नरिका अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। उसके मुंह से आग का एक गोला निकलता है। वो गोला अर्जुन की तरफ तेजी से बढ़ा चला रहा है लेकिन अर्जुन बड़ी फुर्ती से आग के गोले से बच जाता है और वो गोला पीछे बिल्डिंग में टकराता है जिससे पूरी बिल्डिंग निस्तनाबूत हो जाती है। एक अजीब सी आवाज के साथ नरिका अपने मुंह से दूसरा आग का गोला छोड़ती है पर अर्जुन एक बार फिर बच जाता है और इस तरह नरिका आग के बहुत सारे अटैक अर्जुन के ऊपर करती है लेकिन उतनी बार अर्जुन हवा में छलांग लगाते हुए बच निकलता है। अर्जुन पर किए गए वारों से उसे बचता हुआ देख नरिका बहुत परेशान हो जाती है। वैसे खेल में मजा आ गया बच्चे, अब बहुत दिखा लिया तूने अपना खेल, अब मेरे अगले वार से खुद को बचा सकता है तो बचा ले। ऐसा कहते ही नरिका अर्जुन को अपने हाथ से एक बार से कई मीटर ऊपर हवा में उछाल देती है। तकरीबन 20 सेकंड तक हवा में रहने के बाद अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। नरिका की चोट का वार इतना दर्दनाक है कि अर्जुन अब जमीन से सीधा उठ भी नहीं पा रहा है। तकरीबन 2 मिनट बाद अर्जुन जैसे तैसे हिम्मत करके उठता है। मेरे एक ही वार से तू अधमरा हो गया, अरे तू क्या लड़ेगा मुझसे, नरिका हंसते हुए कहती है। तुम कोई भी हो मैं नहीं जानता लेकिन शायद तुमको याद होगा कि पिछले बार कैसे तुम्हें मुझसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, अर्जुन दर्द से कहराते हुए कहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चे, मैं इस बार तुझे मसल कर रख दूंगी, नरिका गुस्से में आकर कहती है। इतना कहते ही नरिका एक और जोरदार वार अर्जुन के ऊपर करती है और इस बार दोबारा अर्जुन कई मीटर ऊपर हवा में उछल जाता है। अर्जुन हवा में जाते हुए कह रहा है। उसके कुछ सेकंड बाद वो एक बार फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे गिरते ही अर्जुन एकदम से सुन्न हो जाता है। वो कोशिश करता है दोबारा से उठने की पर भरपूर कोशिश करने के बावजूद वो उठ नहीं पाता। उसे अपने चारों ओर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। वो अब नरिका को भी साफ नहीं देख पा रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जूल ये सब अपनी लैब में मौजूद अपने मॉनिटर पर देख रहा है। नरिका को इस तरह अर्जुन पर हावी होता देख उसे बहुत खुशी हो रही है। शाबाश नरिका शाबाश, और तुमने अर्जुन को हरा कर साबित कर दिया कि तुम जल्दी ही बहुत जल्द इस शहर को शमशान में बदल दोगी, डॉक्टर जूल अपने आप से हंसते हुए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही है और अब वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है, बस उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है। वहीं देव देविका के साथ उस जगह पर पहुंचता है और वहां अपने माँ बाप को पाकर सरप्राइज हो जाता है और खुश भी होता है कि वो लोग सही सलामत है। माँ पिताजी आप ठीक है ना, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, देव थोड़ा घबराते हुए अपने माता पिता से कहता है। उस वक्त उसके साथ देविका भी है। हाँ हम तो ठीक है देव, भला उस लड़के का जिसने हमें उस खतरनाक दानव से बचा लिया, देव के माता पिता उससे कहते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया आप दोनों कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, देव अपने माता पिता से थोड़ा हैरान होकर पूछता है। कुछ देर पहले जब वो खतरनाक दानव छिपके लिए सभी को मार रही थी और वो हमारी तरफ भी छपकी तब एक लड़की ने आकर हमें बचा लिया जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, क्या वो कोई साधारण इंसान था, देव थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है। नहीं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उसने कुछ देर उस दानव छिपकली का मुकाबला किया और फिर वे दोनों लड़ते लड़ते कहीं दूर चले गए। अपने माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर देव हैरान हो जाता है और अब वो मन ही मन सोच रहा है आखिर कौन हो सकता है वो जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसने उस दानव से लोगों को बचा लिया, मुझे उसके बारे में जानना होगा। क्या सोच रहे हो देव, देविका ने देव की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं देव, थोड़ा घबराते हुए बोला। देव के माता पिता ने देविका की तरफ देखा और देव से कहा, बेटा देव ये कौन है। जवाब में देव कहते हैं, अरे बातों बातों में तो आप लोगों को देविका से मिलवाना भूल ही गया, ये है देविका, हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट में है, ये भी एक साइंटिस्ट है और हम दोनों साथ काम करते हैं। बहुत सुंदर हो बेटी, देव के साथ काम करना कैसा लगता है तुम्हें, देव की माँ देविका से कहती है। अच्छा लगता है, देव बहुत अच्छा इंसान है, देविका जवाब में मुस्कुराते हुए कहती है। उसके बाद देव की माँ देव और देविका को एक साथ देखते हुए मन ही मन सोच रही है कितनी अच्छी लग रही है और दोनों एक साथ कितने खुश भी है। वहीं देव अभी मन ही मन अर्जुन के बारे में सोच रहा है आखिर कौन हो सकता है वो, लेकिन जो भी हो आज उसने शहर को बचाया।
वहीं दूसरी तरफ नरिका अर्जुन को उठाकर कहीं दूर चट्टान पर पटक देती है। उस पथरीली चट्टान से टकराने के बाद अर्जुन एक बार फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, और वो इस बार तो ऐसे गिरता है मानो जैसे जमीन पर कोई पत्थर गिरा हो। अर्जुन की यह हालत देखकर नरिका को लग रहा है कि अर्जुन अब मर चुका है। यही एक आखिरी रोड़ा बचा था जिसे मैंने आज खत्म कर दिया है। अब मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे इस पूरी दुनिया को तबाह करने से। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल, जिसने कि नरिका को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है, वो ये सब अपनी लैब में मौजूद सुपर मॉनिटर में देख रहा है। वो अर्जुन की हालत देखकर कहता है, क्या हुआ, बहुत शक्ति है ना तुझमें, उठ दोबारा उठ और सामना कर मेरे इस शक्तिशाली हथियार का। पिछली बार तो तूने नरिका का सामना किया था, पर इस बार मैंने द ग्रेट साइंटिस्ट जूल ने नरिका को पहले से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बनाकर भेजा है। अब उठ और सामना कर मेरे इस पावरफुल क्रिएशन का। अरे मैं तो भूल ही गया था, अब तेरा अंत हो चुका है। तेरा अंत मतलब मेरे एक नए युग का उदय। और अब एक एक करके नरिका इस दुनिया से इंसान का नामो निशान मिटा कर रख देगी। वहीं दूसरी तरफ नरिका भी अर्जुन को उसी हालत में छोड़कर जाने लगती है। उसे लगता है कि अर्जुन अब मर चुका है, और शायद ये सच भी हो सकता है क्योंकि अर्जुन अचेत पड़ा है और अब तो उसकी सांसें की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शहर में देविका देव के माता पिता से बात कर रही है। देव की माँ को देविका काफी पसंद आती है। देव की माँ देविका से देव के बारे में बातें करने लगती है। बातों ही बातों में देविका देव की माँ को बताती है कि देव एक इंटेलिजेंट वेल बिहेव्ड पर्सन है जो हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। आगे देविका बताती है कि देव के अच्छे बिहेवियर होने की वजह से वो देव को बहुत पसंद करती है। इस बारे में देव की माँ चुटकी लेते हुए देव से पूछती है, सुनो बेटा देव, तुम्हें देविका कैसी लगती है? अपनी माँ को ऐसा पूछता देव थोड़ा शर्माते हुए अपनी माँ से कहता है, देविका एक अच्छी लड़की है माँ, और काफी इंटेलिजेंट भी है। देव अपनी माँ से बात तो कर रहा है, पर वो मन ही मन अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिसने उसके माता पिता को उस दानव छिपकली से बचाया है। देव मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है, वो लड़का कोई सामान्य लड़का तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सामान्य लड़का इस तरह एक दानव छिपकली का सामना कर नहीं सकता। देव खुद से बातें कर ही रहा होता है कि इतने में उसे आसपास लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लोग डर कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों की इस तरह इधर उधर भागने से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अचानक मची अफरा तफरी से कुछ लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए हैं। इस अफरा तफरी से अपने परिवार को बचाने के लिए देव अपने माता पिता सहित देविका को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। उसके बाद देव देखता है कि शहर में एक जगह पर एक विशालकाय दानव अपने मुंह से आग बरसा रहा है। देव उस विशालकाय दानव को देखता है और कहता है, ये कैसी आफत है, ये किस तरह का जीव है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी ऐसा जीव नहीं देखा। अरे ये तो फिर से आ गई। देव के पिता घबराते हुए बोलते हैं, फिर से आ गई मतलब? देव थोड़ा चौंकते हुए बोलता है। जवाब में देव के पिता घबराते हुए कहते, अभी हम जिस दानव छिपकली की बात कर रहे थे ये वही है बेटा, मुझे लगता है इसने उस लड़के को भी मार डाला जिसने हमें बचाया था, और अब ये एक एक करके हम सबको मार डालेगी। देविका तुम माँ और पिताजी के साथ ही रुको, मैं अभी आता हूँ, देव कहता है। पर देव तुम कहाँ जा रहे हो? देविका भी घबराते हुए कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, बस तुम 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। और ऐसा कहते ही देव वहाँ से चला जाता है। हालांकि देविका और उसके माता पिता उसे पीछे से काफी आवाज मारते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ नरिका ने दोबारा से आकर शहर में तबाही मचाना शुरू कर दी। नरिका अपने मुंह से आग बरसा रही है, और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उसने कई बिल्डिंगों और लोगों को आग की चपेट में ले लिया है। एक स्कूल वैन जिसके अंदर ड्राइवर समेत स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, अपने चारों ओर हुई अफरा तफरी देखकर वे बच्चे जो स्कूल वैन के अंदर मौजूद हैं बाहर आ जाते हैं। बच्चों के बाहर आते ही नरिका की उन पर नजर पड़ती है। तभी नरिका अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक बच्चे को ऊपर उठा लेती है और अपने मुंह के ठीक सामने तक ले आती है। वो बच्चा तकरीबन 10 साल का होगा, जो नरिका को इतने करीब से देखकर डर जाता है क्योंकि नरिका का चेहरा बेहद ही डरावना है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, वो 10 साल का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अगले ही पल नरिका उस बच्चे को ऊपर हवा में उछाल कर नीचे जमीन की ओर छोड़ देती है। वो बच्चा सैकड़ों मीटर ऊपर जाकर तेजी से जमीन की ओर बढ़ता जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। जैसे ही वो 10 साल का बच्चा जमीन से टकराने वाला ही होता है, वैसे ही उसे कोई पकड़ लेता है जिससे उस बच्चे की जान बच जाती है। जिसने उस बच्चे को पकड़ा वो कोई और नहीं बल्कि देवी है। देव ने भी अर्जुन की तरह चेहरे पर वैसा ही मास्क लगाया हुआ है। जाओ बेटा तुम सभी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाओ, देव सभी बच्चों से कहता है। देव के ऐसा कहते ही सभी बच्चे उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नरिका को अचंभा होता है। वो मन ही मन सोच रही है, कौन है ये? इससे पहले ऐसा ही कोई शक्तिशाली इंसान मुझसे लड़ने आया था, लेकिन मैंने तो उसे मौत के घाट उतार दिया, तो फिर ये नया इंसान कौन है? वहीं अपनी लैब में मौजूद डॉक्टर जूल भी ये सब अपने सुपर मॉनिटर पर देख रहे हैं। अब ये कौन आ गया? इससे पहले उस दूसरे शक्तिशाली इंसान को तो नरिका ने मार दिया था, फिर ये कौन है? डॉक्टर जूल अपने आप से ये बातें कर रहा है। नरिका देव की तरफ देखती है और अपने मुंह से आग के गोले उस पर अटैक करती है, लेकिन देव भी बड़ी फुर्ती के साथ उस आग के गोले से बचता है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। अपने इस वार से देव को बचता हुआ देख नरिका हैरान है। वो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई है। अब वो एक के बाद एक आग के गोलों से देव पर अटैक कर रही है, लेकिन देव हर बार बेहद ही फुर्ती से उस भयानक आग के गोलों से खुद को बचा रहा है। उसके बाद जवाब में देव अपनी तरंगों से नरिका पर वार करता है, जिससे कि नरिका को एक जोर का झटका लगता है और वो अपनी जगह से कुछ मीटर दूर पीछे खिसक जाती है। थोड़ा संभल कर नरिका भी देव पर अपनी तरंगी शक्ति से वार करती है। वही जवाब में देव भी अपनी तरंगी शक्ति से नरिका पर वार करता है। दोनों की तरंगी शक्तियां आपस में टकरा रही है, जिससे एक जोरदार इंपैक्ट पड़ता है और उस इंपैक्ट से देव पीछे बिल्डिंग की दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। आप तेरा भी मैं वही अस्त्र करूंगी जो कुछ देर पहले मैंने उसका किया था, नरिका गुस्से से कहती है। लेकिन अगले ही पल देव उठ खड़ा होता है।
अब खुद को संभालते हुए देव एक लंबी जंप लगाता है और जंप लगाकर नरिका के सीने में एक जोरदार किक मारता है। यह खतरनाक किक नरिका को कुछ कदम पीछे धकेल देती है। तभी नरिका थोड़ा संभल पाती है। इतने में ही देव एक जोरदार किक और नरिका के सीने में मारता है। उस एक और किक के वार से नरिका हल्का नीचे की ओर गिरने लगती है, लेकिन इतने में ही देव एक और जोरदार किक उछलकर उसके मुंह पर मारता है। इस एक और किक से नरिका धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। आज ये पहला मौका है जब नरिका पहली बार जमीन पर गिर पड़ी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता नरिका, ये मामूली सा इंसान तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। उठो नरिका, उठो, डॉक्टर जूल अपने आप से कह रहा है, क्योंकि ये नजारा डॉक्टर जूल अपनी लैब में मौजूद एक सुपर मॉनिटर पर उस चिप की मदद से देख रहा है जिसे उसने नरिका की बॉडी में लगाया हुआ है। वहीं अब नरिका देव के वार से संभल चुकी है और वापस खड़ी हो जाती है। शाबाश नरिका, शाबाश, अब खत्म कर दो इसे भी, डॉक्टर जूल अपने मॉनिटर में देखकर कह रहा है। नरिका अब खड़ी हो चुकी है। नरिका उठकर अपने मुंह से देव के ऊपर एक बार फिर आग के गोले बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन बेहद ही फुर्ती के साथ देव उन आग के गोलों से बच जाता है। तभी नरिका की नजर नीचे रोड पर खड़ी एक कार पर पड़ती है। उस कार को देखते ही नरिका उंगली से उसकी तरफ इशारा करती है। नरिका के ऐसा करते ही कार हवा में उड़ने लगती है और फिर अपनी एक उंगली के इशारे से वो कार सीधा देव की तरफ बढ़ने लगती है। नरिका ने सिर्फ अपनी एक उंगली के मात्र इशारे से ही उस कार से देव पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार भी देव बड़ी फुर्ती के साथ उस कार से बच जाता है, पर वो कार पीछे बिल्डिंग से टकराकर चूर चूर हो जाती है। बहुत खेल खेल लिया तूने, अब मरने के लिए तैयार हो जा, नरिका गुस्से से कहती है। जवाब में देव मुस्कुराते हुए नरिका से कहता है, बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने बहुत छोटी होती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी दे रहा है, तू देख अब मैं क्या करती हूं, नरिका गुस्से में आकर देव से कहती है। उसके तुरंत बाद नरिका एक जोर की फूंक मारती है। नरिका की फूंक मारते ही ऐसा लगता है जैसे आंधी आ गई है। नरिका की एक फूंक मारने से ही रोड पर खड़ी तमाम गाड़ियां ऊपर हवा में उड़ने लगती है और नरिका की उस खतरनाक फूंक से देव भी हवा में उछलने लगता है और थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता है। तभी देव की नजर सामने एक म्यूजियम पर पड़ती है जिसे नरिका ने आधा तबाह कर दिया है। उस म्यूजियम पर उसे एक तलवार दिखाई देती है। देव जल्दी से फुर्ती के साथ उस म्यूजियम के अंदर जाकर उस तलवार को उठा लेता है। उसके बाद एक लंबी छलांग लगाकर देव बिजली की रफ्तार के साथ गोल गोल घूमकर तेजी से ऊपर जाता है। उसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई है। नरिका जो कि साइज में देव से काफी बड़ी है, इसलिए देव बिजली की तेजी से नरिका के चारों तरफ घूमता है। उसके हाथ में तलवार है जिसके लगातार वार से वो नरिका के पूरे शरीर पर छोटे बड़े अनेकों घाव कर देता है। देव के हर एक बढ़ते वार से नरिका काफी घायल हो चुकी है। वो दर्द से कहरा रही है। नरिका दर्द से चिल्ला रही है, ये क्या हो गया नरिका तुम्हें, तुम एक साधारण इंसान से कैसे हार सकती हो नरिका, नहीं मेरा क्रिएशन फेल नहीं हो सकता, डॉक्टर जूल गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है। उसे यकीन नहीं आ रहा है कि एक साधारण से इंसान ने नरिका की ये दशा कर दी। डॉक्टर जूल ये सब सोचकर परेशान हो गया और टेबल पर अपना हाथ लगातार मारे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरिका देव के खतरनाक अटैक से बहुत घायल हो गई है। देव को इस तरह नरिका से लड़ता देख नीचे खड़े सभी लोग के चेहरे पर खुशी की एक नई चमक आ चुकी है जो कि पिछले कुछ समय से गायब थी। देव के माता पिता और साथ में देविका भी उस सुपर हीरो को देखकर बहुत खुश हैं। तभी देविका को देव का ख्याल आता है और वो मन ही मन कहती है, ये देव अभी तक वापस क्यों नहीं आया, उसे तो बोल रहा था कि अभी आता हूँ पर ना जाने कहाँ चला गया। देविका देव के वापस ना आने से बहुत परेशान है। देव से लड़ने के बाद नरिका बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी देव नरिका से काफी गुस्से में कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों का कुछ भी नहीं कर पाओगी, मैं बार बार तुम्हें हराता रहूंगा। नरिका वहां से भागने लगती है और वापस जाते वक्त घायल अवस्था में कहराते हुए देव से कहती है, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी तुम्हें मारने के लिए, अगर मुझे 100 बार भी आना पड़ा तो मैं जरूर आऊंगी, एक दिन मैं तुझे मारकर इस दुनिया से इंसानों की नस्लें मिटा दूंगी, मिटा दूंगी तुम इंसानों को। जब जब तुम जैसे दानव बेकसूर इंसानों को मारने आएंगे तब तब मैं एक रक्षक बनके सबकी रक्षा करूंगा। अब सभी लोग देव की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। तभी उस भीड़ में से एक आवाज आती है, हमारा रक्षक आ गया, हमारा रक्षक आ गया। ये एक बच्चे की आवाज है। थोड़ी देर में वहां पर मौजूद सभी लोग उस बच्चे की हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं, हमारा रक्षक आ गया, तुम ही हमारे रक्षक हो। उस भीड़ में देविका भी खड़ी है जो सुपर हीरो को बड़े गौर से देख रही है। देव की नजर भी देविका पर पड़ती है। उसके बाद देव दोबारा उस भीड़ को देखता है और एक लंबी छलांग के साथ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी और पत्थरों के बीच एक सुनसान इलाका है जहां दूर दूर तक न कोई इंसान है न ही कोई जानवर है, तो बस चारों ओर फैला सन्नाटा और सैकड़ों की संख्या में गिद्धों का समूह। तभी पत्थरों में कुछ हलचल होती है। एक छोटा सा पत्थर उस बड़े ढेर में से नीचे गिरता है जिसके नीचे अर्जुन दबा हुआ है। थोड़ी देर बाद वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है। अब तकरीबन 20 सेकंड बाद कुछ और पत्थरों का पलटना शुरू हो जाता है। हवाएं भी और तेज हो गई है। जिस जगह पिछले कुछ समय से सन्नाटा पसरा था वहां पर अब हवाओं का शोर गूंजने लगा है। भयंकर हवाओं के शोर के बीच मिट्टी और पत्थरों के ढेर में से एक हाथ ऊपर को आता है। उस हाथ में थोड़ा हलचल है जो ये बताने के लिए काफी है कि मिट्टी और पत्थरों के ढेर के नीचे दबे इंसान में अभी जान बाकी है। कुछ 5 सेकंड के बाद दूसरा हाथ पत्थरों को चीरता हुआ उस बड़े मिट्टी और पत्थरों के ढेर में से बाहर दाखिल होता है। अगले ही पल चारों ओर गूंजती आवाज के साथ मिट्टी और पत्थर के ढेर को चीरते हुए अर्जुन बाहर निकलता है। उसका उस बड़े मिट्टी और पत्थर के ढेर से बाहर आने का तरीका कुछ ऐसा था मानो जैसे वहां पर कोई सैलाब आ गया हो। उसके बाहर आने से मिट्टी और पत्थर के कंकड़ हवा में तैरने लगे। अब हवाओं ने भी अपना रुख और तेज कर लिया है और इस तरह अर्जुन दोबारा से होश में आ गया, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो, जिसे डॉक्टर जूल और नरिका मरा हुआ समझ बैठे हैं। मृत्यु को देखकर भी जो आगे की तरफ चल पड़ते हैं, ऐसे ही वीर योद्धा एक दिन ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल लेते हैं। ऐसा ही योद्धा हूँ मैं जो दोबारा आ गया हूँ इस संसार से बुराई को खत्म करने, अर्जुन गुस्से में आकर बोलता है। हवाओं के तेज शोर के बीच अर्जुन की आंखें चमक रही है और उसके शरीर में भी एक अलग सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। उसके बाल थोड़े लंबे हैं जो हवा के साथ लहरा रहे हैं।
नरिका घायल अवस्था में लड़खड़ाते हुए डॉक्टर जूल की लैब में पहुंचती है। लैब के अंदर पहुंचते ही धड़ाम से नरिका डॉक्टर जूल के आगे गिर जाती है। नरिका को इस तरह लड़खड़ाकर अपने सामने गिरता देख डॉक्टर जूल एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो आंसुओं से भरी अपनी आंखों से नरिका की तरफ देखता है। डॉक्टर जूल कुछ कहने की कोशिश करता है पर कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी है। अब उसे ये लगने लगा है कि उसका इस दुनिया पर राज करने का सपना जैसे अधूरा न रह जाए। डॉक्टर जूल खुद से ही सवाल करते हुए कहते हैं, ये क्या हाल कर गया मेरे आविष्कार का, ये क्या हाल बना दिया मेरे नरिका का उस मामूली इंसान ने, कैसे आखिर कैसे मेरा आविष्कार एक मामूली इंसान से हार गया। इतना कहते ही डॉक्टर जूल गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से में आकर वो फैसला लेता है कि वो नरिका को उसकी हार का इनाम देगा। इधर नरिका दर्द से कहरा रही है और अब वो बस बेहोश होने ही वाली है। इतने में ही नरिका को डॉक्टर जूल की एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। डॉक्टर जूल नरिका से कहता है, नरिका तुम एक बार फिर से हार गई, वो भी एक मामूली इंसान से। अगर अभी भी तुम एक मामूली इंसान से इतनी आसानी से हार रही हो तो तुम कैसे इंसानी नस्ल को खत्म करने और इस दुनिया को मेरा गुलाम बनाने में मेरी मदद करोगी। डॉक्टर जूल की ये बातें सुनकर नरिका अपनी दर्द भरी आवाज में डॉक्टर जूल से कहती है, मैं जिससे हार गई वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसमें बहुत ताकत है, वो बहुत शक्तिशाली है। नरिका के मुंह से ये सब सुनकर डॉक्टर जूल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बस चुप हो जाओ तुम, तुम उस मामूली इंसान से उसकी ताकत की वजह से नहीं बल्कि अपने डर की वजह से हार गई आज। डॉक्टर जूल टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए नरिका से कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर का डर खत्म करना ही होगा नरिका, और इस डर को खत्म करने के लिए तुम्हें बिजली के झटके सहने होंगे और यही तुम्हारी सजा है। जहां एक और डॉक्टर जूल सुपर हीरो देव से नरिका की हार पर आग बबूला हो गया है, वहीं दूसरी ओर देव नरिका को नाकू चने चबाने के बाद दोबारा से एक सामान्य इंसान देव बनकर पीछे से आकर देविका के कंधे पर अपना हाथ रखता है। इस तरह अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ देख देविका डर जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, उसे अपने पीछे देव नजर आता है। देव को अपने पीछे देख देविका अपनी सांस छोड़ते हुए देव से कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्यों मैं कोई भूत हूँ जो तुम मुझे देखकर इस तरह डर गई, देविका से मजाक करते हुए कहता है। फिर देविका देव से कहती है, अरे वो बात नहीं है, तुमने देखा ना आज यहाँ क्या क्या हो गया, ओ माय गॉड मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर अभी हम सब ठीक हैं। पर तुम मुझे एक बात बताओ देव, जब वो दानव छिपकली यहाँ थी तो तुम कहाँ थे। देविका के सवाल पर देव कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। देव को मुस्कुराता देख देविका थोड़ा गुस्सा करते हुए देव की ओर देखती है। अरे गुस्सा मत करो, वो तो मैं बस तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे बताने में थोड़ी शर्म आ रही है। देव मुस्कुराते हुए सिर को थोड़ा नीचे झुकाते हुए देविका से कह रहा है, अरे तुम साफ साफ बताओ इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जल्दी बताओ वरना मैं जा रही हूँ। देविका देव से थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, देविका वो दरअसल मैं वॉशरूम गया था क्योंकि मेरा आज पेट ठीक नहीं है, रात को छोले भटूरे खा लिए थे ना। देव पेट में हाथ लगाते हुए कहते हैं, छी। देव की बातें सुन देविका मुंह बनाते हुए कहती है। रात के 8 बजे देव वापस अपने घर की ओर जा रहा है। सुनसान सड़क पर देव अपने घर को जा रहा है। इस वक्त वो स्कूटर पर है लेकिन अभी भी उसके सामने आज के दिन का मंजर दोबारा से ताजा हो गया है। उसे अभी भी वो घटना याद आ रही है जो उसके साथ आज दिन में घटी है। तभी उसे कुछ और याद आता है, उससे पहले जिस लड़के ने मां और पिताजी की जान बचाई थी वो कौन हो सकता है, और जब वो बड़ी सी छिपकली शहर को तबाह करने आई थी तब वो बोल रही थी कि मैंने उसे मार डाला, उतने खतरनाक दानव से वो लड़का भिड़ गया, इसका मतलब वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता, हो ना हो उसके पास भी कुछ शक्तियां जरूर है, और हो ना हो उन शक्तियों का इस्तेमाल उसने उस दानव छिपकली पर जरूर किया होगा। अब न जाने वो किस हाल में होगा, वो दानव छिपकली तो बोल रही थी कि मैंने उसे जान से मार दिया है, पर मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि हो ना हो वो अभी जिंदा है, और मुझे ये भी लगता है कि न जाने क्यों मेरा उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, हे भगवान उसकी रक्षा करना। देव के मन में उस टाइम ऐसे बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। देव उस लड़की के बारे में सोच ही रहा है तभी उसे रोड के किनारे चलता हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। देव ने स्कूटर उसकी तरफ किया, स्कूटर की तेज लाइट के बीच देव ने उसका चेहरा देख लिया। अरे अर्जुन तुम इतनी रात में अभी तक तुम घर नहीं गए, देव अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला। वाकई में रोड के किनारे लंगड़ा कर चलने वाला वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है जिसे कुछ चोटें आई है। कुछ नहीं भैया वो काम से लेट हो गया इसलिए पैदल पैदल घर जा रहा हूँ, अर्जुन थोड़ा घबराते हुए जवाब देता है। देव अर्जुन को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखता है, अर्जुन को काफी चोटें आई है और वो थोड़ा दर्द से कहरा भी रहा है। हाँ वो सब तो ठीक है अर्जुन, तुम ये बताओ कि तुम्हें इतनी चोटें आई कैसे, देव थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उसे पूछता है। देव की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा घबराता है और फिर कहता है, कुछ नहीं वो बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो अर्जुन, देव थोड़ा कड़क आवाज में पूछता है। अरे नहीं देव भैया मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो बस हल्की फुल्की चोटें हैं जो एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी, अर्जुन एक झूठी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है। इतनी ज्यादा चोटें लगी है तुम्हें अर्जुन, और तुम कह रहे हो कि एक हल्की फुल्की चोटें हैं, सच सच बताओ अर्जुन क्या हुआ तुम्हारे साथ जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें आई हैं। देव के सवाल के पीछे का कारण कुछ और ही है। देव को लग रहा है कि हो सकता है उस दानव छिपकली ने बहुत सारे लोगों पर हमला किया और उनमें से अर्जुन भी एक हो सकता है। अर्जुन तुम चुप क्यों, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। देव दोबारा वही सवाल अर्जुन से करता है, अब क्या बताऊं भैया को ये सब कैसे हुआ और मुझे ये चोट कैसे आई, अगर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया तो नहीं नहीं मुझे किसी भी हाल में ये सच छुपाना होगा। अर्जुन मन ही मन ये सब सोच रहा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव से कहता है, वो भैया दिन में किसी काम से मैं मिश्रा जी के घर से बाहर आया था तभी एक सांड ने मुझे जोर से टक्कर मार दी, शायद मेरी ये लाल शर्ट देखकर भड़क गया होगा, मैं नीचे गिर गया और इसीलिए मुझे ये चोटें आई है, अर्जुन थोड़ा घबराते हुए कहता है। देव अर्जुन की ओर देखता है और कहता है, अर्जुन तुम्हें काफी चोटें आई हैं, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ।
अरे नहीं नहीं भैया, ये मामूली सी चोटें हैं, जो एक दो दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है। अच्छा तो तुम सीधे तरीके से चलते हो या मैं जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊं? देव थोड़ा गुस्से में कहता है। अब आप कह ही रहे तो चलते हैं हॉस्पिटल, वैसे भी आप मानने वाले तो है नहीं, अर्जुन थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है। और फिर अर्जुन भी देव के साथ स्कूटर में उसके पीछे वाली सीट में बैठ जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। उधर पास्ट वाला श्रीनिवासन अपने घर में फ्यूचर वाले श्रीनिवासन के साथ मौजूद है। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन 1983 वाले यानी कि पास्ट वाले श्रीनिवासन से कुछ बातें कर रहा है। तुमने आज सुना कुछ कि क्या हुआ इस शहर में? पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन से पूछता है। आज तो रेडियो में और दूरदर्शन पर सिर्फ उसी की खबर आ रही है कि कैसे एक विशालकाय दानव छिपकली से एक इंसान ने लोगों को बचाया। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन व्हीलचेयर पर बैठे बैठे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये जिसने इतने खतरनाक दैत्य से सभी लोगों को बचा लिया। पास्ट वाला श्रीनिवासन थोड़ा हैरानी से कहता है। फ्यूचर से आया हुआ श्रीनिवासन अपने मन में सोचता है कि मुझे तो पता है कि ये लोग कौन है जिन्होंने उस दानव से लोगों को बचाया, क्योंकि मैं भविष्य जी चुका हूं और मुझे ये भी पता है कि ये लड़ाई एक दिन इस घर तक यानी कि श्रीनिवासन तक भी पहुंचने वाली है, और वही सब तो मुझे बदलना है जिसके लिए मैं भविष्य से भूतकाल में आया हूं। लेकिन क्या मेरे पास्ट वाले प्रतिरूप को और देव के बारे में भी अभी ये सब बताना ठीक होगा? शायद नहीं, लेकिन मेरे प्लान में सिर्फ एक ही मिस्टेक हो गई है और वो है अर्जुन का मेरे साथ 1983 में आना। पता नहीं कब क्या गड़बड़ हो जाए। क्या सोच रहे हो? पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन को कुछ सोच में डूबा हुआ देखकर पूछता है। यही कि आज से 15 दिन बाद तुम व्हीलचेयर से फ्री हो जाओगे। अच्छा लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? अभी तो एक्सरे रिपोर्ट आनी बाकी है। जो चीजें तुम्हें नहीं पता वो मुझे बहुत पहले ही मालूम होती है। अच्छा तो फिर ये बताओ कि ये कौन है जिसने उस दानव को मारा? हाँ, वो तुम्हारे बहुत करीब है और बहुत जल्द तुम्हें उसका पता चल जाएगा, फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन से कहता है और वहां से उठकर चला जाता है। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन मन ही मन सोच रहा है, कहीं वो अर्जुन तो नहीं? मेरा शक सही भी हो सकता है क्योंकि इस तरह की शक्तियां सिर्फ अर्जुन के पास ही है। वहीं दूसरी तरफ देव के घर में देव के माता और पिता साथ में बैठकर दूरदर्शन में आज दिन भर की खबर देख रहे हैं। टीवी पर बताया जा रहा है एक जांबाज रक्षक ने शहर को एक खूंखार दैत्य से बचाया। अगर आज इस लड़के ने लोगों को नहीं बचाया होता तो खूंखार दैत्य पूरे शहर को शमशान बना देता। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने लोगों की रक्षा के लिए इस रक्षक को भेज दिया। देव के पिता उसकी माँ से कहते हैं, हाँ ठीक ही कह रहे हो आप, लेकिन उस लड़के का क्या हुआ जिसने हमें उस वक्त बचाया था? जवाब में देव के पिता कहते हैं, शायद उसे उस दैत्य ने मार डाला। देव की माँ उसके पिता की तरफ देखती है। अरे तुम भी ना क्या क्या सोचती रहती हो, ऐसा कहते देव के पिता को देव और अर्जुन का ख्याल आता है। उधर देव अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाता है, तभी देव की नजर अर्जुन के दाहिने हाथ पर जाती है और देव हैरानी से उसके हाथ की तरफ देखता है। देव का यूं अचानक से चौंकने का कारण कुछ अलग है, क्योंकि जब घर जाते वक्त अर्जुन देव को घायल अवस्था में मिला था तब उसके हाथ पर चोटें ज्यादा थी, लेकिन उसके उलट अभी अर्जुन के हाथ की चोटें काफी हद तक भर आई है। तभी देव की नजर अर्जुन के चेहरे की तरफ जाती है। अर्जुन के गाल में जो चोट कुछ टाइम पहले दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह भर चुकी है, जिसे देखकर देव हैरान है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो अर्जुन की चोटें बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन ये अचानक भर कैसे गई? देव मन ही मन ये सब सोच रहा है। क्या हुआ देव साहब, क्या सोच रहे हैं आप? डॉक्टर देव से कहता है, कुछ नहीं, वो तो बस मुझे अर्जुन की थोड़ी टेंशन हो रही थी, देव जवाब देता है। वैसे देव साहब अर्जुन आपका क्या लगता है, क्या अर्जुन आपका कोई रिश्तेदार है? डॉक्टर देव से पूछता है। डॉक्टर की बात सुनकर देव थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, देव मेरा भाई है। भाई नहीं बेटा, पापा मैं आपका बेटा हूँ, पर मेरी किस्मत देखो, जब से मैंने होश संभाला तब से आपको और माँ को देखा नहीं, और अब जब मैं 2011 से टाइम ट्रेवल करके 1983 में आ चुका हूँ तब भी आपको एक बेटी की तरह नहीं मिल सकता। अर्जुन मन ही मन ये सब सोच रहा है और अब उसकी आंखें भी भराई है। तभी देव की नजर अर्जुन पर पड़ती है। देव देखता है कि अर्जुन की आंखें भराई है। अरे क्या हुआ अर्जुन, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है? देव हैरानी से अर्जुन से पूछता है। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही पता नहीं क्यों आंखों से आंसू आ गए, अर्जुन एक धीमी आवाज में जवाब देता है। देव अर्जुन की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है। एक पल के लिए अर्जुन को देखकर अभी ऐसा लगा कि अर्जुन मेरा कोई अपना है और शायद इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। यहाँ पर कुछ पल के लिए देव का ध्यान अर्जुन की चोटों से हट गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्जुन की चोटें भरना शुरू हो चुकी है, जिन पर अभी देव का ध्यान नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक सुपर हीरो है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिस कारण उसकी चोटें अपने आप भर जाती है। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका चेकअप करता हूँ, आप थोड़ा बाहर जाइए, डॉक्टर देव से बाहर जाने को कहता है। अब डॉक्टर अर्जुन का चेकअप कर रहा है। अर्जुन का चेकअप करते वक्त डॉक्टर एक बार एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है। डॉक्टर हैरान होकर अर्जुन से कहता है, वैसे अर्जुन एक बात तुमसे पूछूं? अर्जुन डॉक्टर की तरफ देखता है और हाँ में जवाब देता है। तुम्हें सांड ने टक्कर मारी, बावजूद इसके तुम्हें काफी कम चोटें आई अर्जुन, और तुम अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि तुम्हें काफी चोटें आई। डॉक्टर अर्जुन से पूछता है। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक जाता है और थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो मैं ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पाता डॉक्टर साहब। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम दर्द न सह पाओ, डॉक्टर थोड़ा हंसते हुए कहता है। जवाब में अर्जुन भी मुस्कुरा देता है। ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सी चोट लगी नहीं और चिल्लाना शुरू। टाइम तो हमारा था बेटा जब हम बड़े से बड़े दर्द को हंसते हंसते सह लेते थे, और आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं, डॉक्टर एक चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहता है। उसके बाद डॉक्टर उसके हाथ में जरा सी पट्टी बांधता है और उसके चेहरे पर एक जगह हल्की सी चोट में बैंडेज लगा देता है। अर्जुन ये लो गोलियां, इसे तुम्हें सुबह शाम दो दो खुराक खानी है। डॉक्टर अर्जुन के हाथ में कुछ दवाइयां पकड़ा कर कहता है, अच्छा डॉक्टर साहब अब मैं जा सकता हूँ क्या? अर्जुन डॉक्टर से पूछता है। हाँ क्यों नहीं बिल्कुल जाओ, और हाँ अगली बार सड़क पर जरा ध्यान से चलना, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है। जवाब में अर्जुन भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। धन्यवाद डॉक्टर, डॉक्टर से धन्यवाद बोलकर अर्जुन देव के साथ हॉस्पिटल से वापस घर आ जाता है। रात के 11 बजे अर्जुन और देव वापस घर आते हैं। देव के माता पिता यानी कि अर्जुन के दादा दादी अभी भी देव और अर्जुन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। घर के मेन हॉल में दाखिल होने से पहले अर्जुन देव से कहता है, प्लीज घर वालों को इसके बारे में ज्यादा कुछ मत बताना। अर्जुन हल्की सी आवाज में
देव के कान में कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। देव भी हल्की सी आवाज में इशारे करते हुए अर्जुन से कहता है। उसके बाद दोनों हाँ में अपना सिर हिलाते हुए घर के मेन कमरे यानी कि हॉल में चले जाते हैं, जहाँ अर्जुन के दादा दादी उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो आ गए तुम दोनों, आज इतनी देर क्यों की तुम दोनों ने? अरे तुम्हें पता भी है, तुम दोनों की चिंता के कारण हम दोनों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। देव की माँ अर्जुन और देव से गुस्से से कहती है। वो माँ थोड़ा जरूरी काम था इसलिए देर होगी। देव की इतना कहते ही देव के पिता की नजर अर्जुन के हाथ पर बंधी पट्टी पर जाती है। अरे अर्जुन तो तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें ये चोट कैसे आई? देव के पिता अर्जुन के पास आकर कहते हैं, वो कुछ नहीं बस ऐसे ही हल्की सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे भगवान तेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है और तू कह रहा है कि हल्की चोट है? सच सच बताओ अर्जुन, इसलिए तुम्हें देर हुई थी ना? देव की माँ अर्जुन से गुस्से में पूछती है। वो माँ अर्जुन मेन रोड के किनारे गिर गया था इसलिए इसे हल्की सी चोट आ गई, डॉक्टर ने देखा तो उसे बोला है कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। देव अपनी माँ को समझाते हुए कह रहा है, अरे इसके हाथ में इतनी चोट लगी है और तू कह रहा है कि चिंता की बात नहीं है? अर्जुन हमारा अपना है और तू कैसे कह सकता है कि कोई चिंता की बात नहीं है? देव की माँ रोते हुए कहती है। अपनी दादी को उसके लिए यूं रोता देख अर्जुन की आंखें भर आई है। अर्जुन अब मन ही मन सोच रहा है, मैंने अपनी मम्मी पापा को नहीं देखा और अपने दादा दादी को भी नहीं देखा, लेकिन इस टाइम ट्रेवल ने मुझे 2011 से 1983 में आकर मौका दिया है आप लोगों से मिलने का। और दादी आपने आज साबित कर दिया कि आप मेरी स्वीट सी दादी हो और आपने ये ठीक कहा कि मैं आपका अपना हूँ, बल्कि हकीकत तो ये है कि आप भी मेरे अपने हो। अर्जुन जो कि 2011 से टाइम ट्रेवल करके प्रोफेसर श्रीनिवासन के साथ 1983 में आ गया है, जहां वो जिस घर में किराए पर रह रहा है वो उसी के ही दादा दादी का है, और देव उसका पिता है जो कि 1983 में एक नौजवान 25 साल का लड़का है। वैसे आप लोगों ने अभी तक खाना खाया या नहीं? अर्जुन अपनी दादी के गाल पर हाथ लगाते हुए कहते हैं। नहीं बेटा, तुम दोनों के बिना कैसे खा सकते थे खाना, इसलिए अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी हल्का मुस्कुराते हुए कहती, तो ठीक है अब हम आ गए हैं ना, अब साथ ही खाना खाते हैं। अर्जुन के ऐसा कहते ही देव और अर्जुन के दादा दादी सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ साल 2011 में अर्जुन के कुछ महीनों से लापता होने की वजह से अर्जुन के चाचा चाची भी बहुत परेशान है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में काम्या हर रोज अर्जुन के आने का इंतजार करती है। वो हर रोज कॉलेज के ग्राउंड में उस कोने पर बैठती है जहाँ अर्जुन उससे रोजाना मिलता था, और वो आपस में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। काम्या अपने मन ही मन अर्जुन को याद करके थोड़ा उदास होकर कहती है, अर्जुन तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो अर्जुन, कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने आ जाओ। अपने मन में इतना सोचते ही काम्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने मन में अर्जुन को पुकारने लगती है। इतने में काम्या के आसपास हवाएं चलने लगती है, मौसम अचानक बदलने लगता है और धीरे धीरे सुहाना सा होने लगता है। तभी हवा का एक झोंका काम्या के चेहरे को छूता है। अचानक उस सुहाने मौसम को देखकर काम्या कुछ अच्छा फील करने लगती है। तभी काम्या को अपनी ओर चलता हुआ एक लड़का नजर आता है। वो लड़का काम्या से काफी दूर होता है इसलिए काम्या उसे पहचान नहीं पाती, पर जैसे ही वो लड़का काम्या के थोड़ा नजदीक आता है तो काम्या उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लड़के की ओर तेजी से चली जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अर्जुन है। अर्जुन को यूं कई महीनों के बाद देखकर काम्या खुशी से अर्जुन को गले से लगा लेती है, और अर्जुन की बाहों में आने के बाद काम्या रोते हुए अर्जुन से कहती है, आई रियली मिस यू अर्जुन, तुम कहां चले गए थे मुझे छोड़कर, तुम्हें पता है इतने महीनों से तुम्हें कहीं ना देखकर मैं कितना परेशान हो गई थी, पता भी है तुम्हें? मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया, पर तुम्हें आज देखकर आई फील सो हैप्पी अर्जुन। इसके बाद काम्या अर्जुन का हाथ पकड़कर अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन काम्या से मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे सब जगह ढूंढा, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था। अर्जुन की इस बात को सुनकर काम्या हैरान होकर अर्जुन से कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ थे, कैसे जरा बताना मुझे? इसके जवाब में अर्जुन कहता है, तुम मुझे इस दुनिया में इधर उधर ढूंढ रही थी, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में ही था काम्या, क्या तुमने कभी अपने दिल में मुझे ढूंढा? डू यू नो हाउ मच आई लव यू? अर्जुन की बातें सुनकर काम्या थोड़ा प्यार से अर्जुन से कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ अर्जुन। काम्या अर्जुन से आगे कुछ कहने ही वाली होती है तभी उसके कानों में चुटकी बजने की आवाज आती है, और वो चुटकी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का दोस्त मुकेश होता है। अब काम्या को समझ आता है कि वो अभी तक सपने में अर्जुन को देख रही थी, और मुकेश की चुटकी की आवाज सुनकर उसका सपना टूट चुका है।